संभल जिले में इन दिनों नोटबंदी के दिनों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। दरअसल जिले के सभी बैंकों में चार दिन से कैश की किल्लत है। कैश न होने से सभी बैंकों के एटीएम पर ताले लटके हुए हैं। लोगों को विड्रॉल से भी कैश नहीं मिल पा रहा। कैश न मिलने से व्यापारी किसानों के साथ ही ईद की तैयारी में जुटे मुस्लिम परेशान हैं। कैश न मिलने से परेशान लोगों का आरोप है कि बैंक प्रबंधक संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। जिले में चार दिन से बंद पड़े एटीएम को भी अभी तक चालू नहीं किए जाने से बैंक प्रबंधकों के रवैये को लेकर व्यापारी में आक्रोश है। आक्रोशित व्यापारियों ने बैंक प्रबंधकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर बैंक और एटीएम में कैश की समस्या को दूर करने की मांग की है। स्टेट बैंक के प्रबंधक का कहना है कि आरबीआई से डिमांड के अनुसार कैश नहीं मिल पा रहा। आरबीआई को अधिक कैश की डिमांड भेजी गई है। आज जो एटीएम का जो है आर्थिक प्रवाही है उससे ये है कि बैंक कर्मचारियों को इससे सबूत दिया है। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हम जो है बराबर पब्लिक को जो है बैंकों से पैसा अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बैंक कर्मचारियों की सुस्ती और लापरवाही की वजह से जो है वो खासी दिक्कत का सामना कर रहा है। रमजानों का महीना चल रहा है, इसके अलावा त्यौहार ईद का आने वाला है। एटीएम में पैसा न होने की वजह से जो है रोजगारों को और मुस्लिम खास मुस्लिम समुदाय और जो है मरीजों वगैरह को बहुत परेशानी। पिछले दो महीने से संदूसरी के अधिकांश एटीएम बंद पड़े हैं, किसी में कैश नहीं है, किसी में डिस्प्ले नहीं है, इसलिए आज हमने एटीएम की आरती कर रही है। मतलब क्या कारण है इसमें कैश बैंकों से नहीं पड़ रहा है या ऊपर से नहीं आ रहा है? बैंक कर्मचारी इसमें कैश नहीं डालते हैं और लंबी लंबी लाइन लग जाती है और कैश न होने की वजह से मरीजों को आम आदमी को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।